मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 255 केंद्रों पर कुल 27,561 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिससे फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,741 और सेकेंड डोज लेने वालों में 20,820 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर NK पांडे ने बताया कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ एम्स मेडिकल कॉलेज CSC PSC सहित 255 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने कहा कि जो लोग पहला डोज नहीं लगवाए हैं वे अपने नजदीकी सेंटर या जिला अस्पताल जाकर टीका लगवा लें, और जो लोग पहला डोज लगवाने के बाद सेकंड डोज नहीं लगवाए हैं वे जरूर से जरूर वैक्सीनेशन करवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों और एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने कहा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ। स्पिरिट ना लगेगा अम्मा, कुछ ना लगेगा तो भाई मुंबई में आप मिले ना? कितना केस? 8 लोग। जलालुद्दीन खान दूसरा पहला कब लगवाया थे? कितना दिन? अरे 2 महीना पहले। कोई दिक्कत हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद हकीम पहला डोज लगवाया दूसरा डोज? पहला। कितना लेट है तुम्हारा? सर थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था इसीलिए। दूसरा डोज कब लगवाना है? दूसरा तारीख लिखी होगी, दूसरी डेट लगाएंगे। 28 दिन बाद लगवाएंगे। सबसे कहिए लोग लगवा वैसे कहेंगे सर, कहें भी हैं कहेंगे और लगवाने के लिए। रवि कुमार अग्रवाल डोज है वैक्सीनेशन की, और डोज सबको लगवाना चाहिए क्योंकि मोदी का प्रयास है तो अच्छा प्रयास है, इसलिए सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। उषा देवी सेकेंड डोज लगवाए हैं आज, ये सबको लगवाना जरूरी है, ये मोदी जी का आज्ञा है। आज कुल 255 बूथों पर कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है और काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दी है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने अभी अपना पहला डोज नहीं लिया है वो ज़रूर लगवा लें, और जिन लोगों ने पहला डोज ले लिया है और दूसरे डोज का समय हो गया है वो दूसरा डोज भी ज़रूर ले लें, क्योंकि कोविड बीमारी से बचने के लिए टीके की दोनों डोज अति आवश्यक है। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नियमित तौर पर हाथ धोते रहें। सर कोरोना के बाद वेरिएंट जैसी बीमारी आने की संभावना लोगों से वेरिएंट की बीमारी जो आ रही है उसे लोगों से क्या करना चाहिए बचने के लिए? ये जो वेरिएंट आया है इसमें भी वही सावधानियां बरतनी है जो हम पहले से बरतते चले आ रहे हैं। हालांकि इधर आप देखिए कि लोग काफ़ी थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि ये स्थिति अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, हमें उन सारी बातों का पालन करना चाहिए जो कि शुरू से हम लोग बताते आ रहे हैं।